हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज हम क्यूएबल एपेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सेल्सफोर्स के अंदर। सो व्हाट इज क्यूएबल एपेक्स? इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स। अभी हम पिछली दो वीडियो में भी, पहले हमने फ्यूचर देखा, फिर हमने बैच एपेक्स देखा, अब हम क्यूएबल एपेक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो ये भी एक एसिंक्रोनस एपेक्स का टाइप है। इट इज सिमिलर टू फ्यूचर मैथड बट प्रोवाइड्स एडिशनल फंक्शनैलिटी विच फ्यूचर मैथड वॉज अनेबल टू प्रोवाइड। बिल्कुल फ्यूचर मैथड के जैसा ही है ये भी, बट ये कुछ हमें एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो फ्यूचर मैथड नहीं करता था। वो फंक्शनैलिटी क्या है? वो ये है, पहली जो है हमारी, दैट वी कैन यूज नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप इन क्यूएबल एपेक्स। नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप यानी एस ऑब्जेक्ट को भी आप क्यूएबल एपेक्स में यूज कर सकते हो, जो आप फ्यूचर मेथड में नहीं कर पाते थे। सेकंड, चेनिंग इज पॉसिबल। चेनिंग पॉसिबल है गाइज, यानी कि एक मेथड के अंदर आप दूसरा मेथड भी कॉल कर सकते हो क्यूएबल एपेक्स के अंदर। थर्ड है आपका, कैन मॉनिटर द जॉब। मॉनिटर कर सकते हो आप जॉब को, बिकॉज व्हेन यू सबमिट जॉब बाय इनवोकिंग सिस्टम डॉट एनक्यू जॉब मेथड, इट रिटर्न्स द आईडी दैट यू कैन यूज टू मॉनिटर योर जॉब। जब आप सिस्टम डॉट एनक्यू मेथड ये यूज करते हो अपनी इन्वोक करते हो, जब आप इसका यूज करके, तो वो एक आईडी रिटर्न करता है। उस आईडी के थ्रू आप अपनी जॉब को मॉनिटर कर सकते हो, जो आप फ्यूचर मेथड में नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं क्यूएबल एपेक्स का। ओके गाइस, तो मैंने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। हमने ये बैच पिछले वीडियो में बनाया था, इस बार हम क्यूएबल एपेक्स का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो सिनेरियो क्या है? सिनेरियो हम सेम ही रखेंगे। तो फ्रंट एंड पे मैं जाता हूँ, आपको कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, इस पर सारे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बैच के थ्रू सबको अपडेट किया था और सबका स्टेटस एक्टिव मार्क कर दिया था। हम क्यूएबल एपेक्स के थ्रू क्या करेंगे, इनको क्लोज मार्क कर देंगे, जितने भी कॉन्टैक्ट है मेरे। ठीक है गाइस, तो कुछ नहीं करना है आपको, डेवलपर कंसोल पे जाना है। एक नई क्लास हम अपनी क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट क्यूएबल। ओके, तो क्यूएबल एपेक्स के अंदर हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस, उसका नाम क्या है? क्यूएबल। तो इम्प्लीमेंट क्यूएबल। ओके, इसके अंदर आपको क्या करना है, अब एक अपना मेथड क्रिएट कर लेना है। तो पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट मेथड आपका, और उसके अंदर आप क्या पास कर दोगे, क्यूएबल कंटेक्स्ट पास कर दोगे एज अ पैरामीटर। क्यूएबल कंटेक्स्ट, ओके गाइस। अब आपको क्या करना है, अब हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के अंदर हम सारे कॉन्टेक्ट लेके आ जाएंगे। सेलेक्ट आईडी कोमा स्टेटस फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ओके, तो एक क्वेरी हमने लिखी यहाँ पे, इस क्वेरी को मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ एक बार क्वेरी एडिटर पे। तो स्टेटस अपनी एक कस्टम फील्ड है, तो इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी पास करोगे आप यहाँ पे। ओके, इसका कॉपी करते हैं एपीआई नेम और पास कर देते हैं यहाँ पर, एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे सारे कॉन्टेक्ट आ गए, सबका स्टेटस आप देख पा रहे हो क्या है, एक्टिव है गाइस। तो हमारी इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे कॉन्टेक्ट आ गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, फॉर ईच लूप लगाना है। कॉन्टैक्ट कौन, किस पे लगाओगे आप लूप, इस लिस्ट पे आइट्रेट कराओगे। अब आपको क्या करना है, हर कॉन्टैक्ट का स्टेटस क्या कर देना है, क्लोज्ड मार्क कर देना है गाइस। क्लोज मार्क कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी ये लिस्ट है इसको आपको क्या कर देना गाइस, अपडेट कर देना है। सेव कर देंगे अपना कोड।
सेव हो गया है। अब एनोनिमस विंडो को आपको ओपन करना है। जैसे आपने ये बैच के लिए बनाया था, सेम आप क्यूएबल के लिए बना लोगे, इंस्टांस क्रिएट कर लोगे, न्यू, ठीक है। जैसे डेटा बेस डॉट एग्जीक्यूट बैच आप यूज करते थे, साइज पास करते थे, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको पास करना है सिस्टम डॉट एन क्यू, एन क्यू जॉब, एन क्यू जॉब, और इसके अंदर पास कर देना है अपना नेम। अच्छा, ये जॉब आईडी रिटर्न करता है, मैंने आपको बताया था। तो आप ये जॉब आईडी अगर चाहो तो ये भी अपना प्रिंट करा सकते हो यहाँ पर, जो कि मैं करने वाला हूँ, सिस्टम डॉट डीबग। यही चीज है एक जो इसको अलग करती है फ्यूचर मेथड से, एक नहीं मतलब वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया। ओके, कुछ नहीं करना, इसको मैं एग्जीक्यूट हाईलाइट करूँगा। एग्जीक्यूट हाईलाइट मतलब मेरे को सिर्फ इतना एग्जीक्यूट करना है, पूरा एग्जीक्यूट नहीं करना, यानी बैच रन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्यूएबल को रन कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट हाईलाइट मैं करूँगा। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे मेरे दो लोग बने हैं, एक क्यूएबल के लिए बना है, एक नॉर्मल जो मेरा सिंक्रोनस वाली चीज़ थी उसके लिए बना है। तो मैं दिखा देता हूँ, ये जो मेरी लाइन है इसके लिए अलग लोग बना है, और जो नीचे मेरा एसिंक्रोनस एपेक्स चल रहा है उसके लिए अलग लोग बना है मेरा, ठीक है। तो मैं अगर इसका लोग ओपन करूँ यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हो मेरे पास जॉब आईडी आ रही है। ये जॉब आईडी, इसके बेस पे मैं मॉनिटर कर सकता हूँ अपनी जॉब को, और मैं दिखाऊंगा कि वो आप कहाँ पे देख सकते हो अपनी जॉब, जो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है या इन प्रोग्रेस है या जो भी है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके, तो सारे स्टेटस मेरे क्लोज मार्क हो गए हैं गाइज, यानी कि परफेक्ट मेरा कोड चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं एपेक्स जॉब टाइप करूँगा और ओपन करूँगा जॉब ऑनगोइंग जॉब्स, तो देख रहे हो जितने भी मेरे जॉब चल रहे थे ऑलरेडी वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। क्यूएबल मेरा कंप्लीट हो गया है गाइज, और ये आईडी आप देख पा रहे हो लास्ट में GGTFO, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे GGTFO, ये जॉब आईडी आपको वहाँ पे मिल जाती है जब आप एग्जीक्यूट करते हो अपना क्यूएबल एपेक्स। ये आपने देखा इसका स्टेटस कंप्लीटेड है, कोई फेलियर नहीं हुआ है, यानी परफेक्टली हमारा कोड रन हो गया है। ओके, तो चेनिंग की अगर हम बात करें, चेनिंग पॉसिबल है क्यूएबल में, बिल्कुल पॉसिबल है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपका एग्जीक्यूट मेथड है इसी के अंदर आपको क्या कर देना है, कोड ऐड कर देना है अगर आप चेनिंग करना चाहते हो, यानी कि कोई दूसरा मेथड कॉल करना चाहते हो तो एग्जीक्यूट मेथड में आप यहाँ पे उसको कॉल कर सकते हो। तो सिंपल सा एक वीडियो था, छोटा सा, समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ आपको। एसिंक्रोनस एपेक्स का तीसरा टाइप आज हमने समझा और उसका एक एग्जाम्पल भी देखा। अगले वीडियो में हम शेड्यूलेबल के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।